बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे, अब वन बाय वन करके हम इनकी डिटेल्स में जाएंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? नाउन एंड इट्स काइंड्स। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। द नेम ऑफ एवरीथिंग लिव आर स्टिल विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड नाउन। यानी कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ वो जिंदा है या मुर्दा है, जो वजूद रखती है इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर, वो नाउन कहलाती है। ओके, मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल, उसमें आपका नाम भी आ सकता है। पाकिस्तान, सन, मून, ट्री, पेन, लॉयन, स्नेक, सटून, ग्लास, मिल्क, वट, शुगर, आर्मी, टीम, बंच, पंच मीन गुच्छा, अनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, स्लेवरी, गुलामी, चाइल्डहुड, बचपन, टीन, टीन यानी के, ठीक है, कॉपर, सी ओ डबल पी आर है, सी ओ डबल पी आर, ओके, कॉपर, धात, सेक्टर, सेक्टर, ये सारी चीज़ें क्या बेटा? ये नाउन है जो इस दुनिया में मौजूद, यानी कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ वो इस यानी कि नाउन कहलाती है। ओके, इज इट क्लियर? आगे है जी, काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन की अकसाम। बेटा आमतौर पर नाउन की पांच अकसाम है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले अब हम एक एक की डिटेल में जाएंगे। फर्स्ट वन है जी प्रॉपर नाउन। क्या बेटा? प्रॉपर नाउन यानी कि द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर मीन खास, यानी कि पर्सन, शख्स, खास शख्स, पर्टिकुलर प्लेस, खास जगह, पर्टिकुलर थिंग यानी कि खास चीज, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी भी खास जगह, शख्स या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। आम नहीं, खास, ठीक है। जब हम आदमी की बात करते हैं, मैन की, तो मैन कोई भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं जी अकरम या असलम, फिर वो मैन से वो कॉमन नहीं रहा, वो खास हो गया। मिसाल के तौर पर अफजल, आयशा, पाकिस्तान, द होली कुरान, सेक्टर सेक्टर, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप भी अपने इर्द गिर्द रिसर्च कर सकते हैं जी, कौन से प्रॉपर नाउन है और कौन से कॉमन नाउन है। ओके, सेकंड पे जी कॉमन नाउन, द नेम ऑफ अ पर्सन, कॉमन पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड, यानी कि आम शख्स, आम जगह या चीज के नाम को। इट इज़ द नेम दैट ऑल मैन, यानी कि इसमें तमाम मैन शामिल हो सकते हैं, तमाम प्लेस, तमाम चीज़ें हो सकती हैं जो मुश्तरक तौर पर हर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। यानी कि मैन, अब मैन कोई भी हो सकता है, फ्रेंड कोई भी हो, शहर कोई भी हो सकता है, मुल्क कौन कोई भी हो सकता है, बुक कोई भी हो सकती है। यानी कि हमें नहीं पता ना कौन सी है। जब हम बुक, फिर हम जब होली कुरान की बात करते हैं, वो कॉमन से क्या हो जाती है? प्रॉपर, टेबल, चेयर, सेक्टर सेक्टर। ओके, तीसरे नंबर पर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कि एक ही किस्म की चीज़ों का मजमुआ या गिरोह। अ वर्ड दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि अशखास का ग्रुप है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर यानी कि कलेक्शन, मजमुआ ऑफ सिमिलर थिंग्स, मुश्तरक यानी कि एक ही चीज़ों का मजमुआ या गिरोह है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास है, तमाम बच्चे, सबको नाम दिया हमने क्लास का। महजूम है, क्राउड। आर्मी है, फ्लॉक यानी कि रेवड़ है। बंच, गुच्छा है, ठीक है, फूलों का गुच्छा हम कहते हैं। सेक्टर सेक्टर, इसकी एग्जाम्पल्स है। फोर पे बेटा मटेरियल नाउन। मटेरियल, अ वर्ड दैट डिनोट्स द नेम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसी चीज है, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ओके, सब्सटेंस आर मटेरियल थिंग्स, कांट बी काउंटेड, यानी कि इनको काउंट नहीं कर सकते हम। इनको हम क्या कर सकते हैं बेटा? मैयर कर सकते हैं। मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम क्या कर सकते हैं? मैयर कर सकते हैं। यानी कि वाटर, मिल्क, काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, क्या कर सकते बेटा? मैयर कर सकते हैं। शुगर, स्टीम, भाप यानी कि, ठीक है, शुगर, चीनी, एयर, इंक, सिल्वर, गोल्ड, सेक्टर सेक्टर। मटेरियल का ये और ये कॉन्सेप्ट है कि मटेरियल थिंग्स, या इनको कंक्रीट भी हम कहते हैं, ठीक है, कंक्रीट, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं। यानी कि गोल्ड से हम जेवरात बनाते हैं, सिल्वर से भी हम बनाते हैं, मिल्क से हम जूस बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, वाटर से हम शिकंजबीन बना लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ में डाल के बना सकते हैं। शुगर, चीनी से हम रोटी भी बना सकते हैं। भाप से इसी तरह हवा, इंक, ये सारी चीज़ें, ठीक है, रबड़ हो गया,
ठीक है जी, लोहा वो इसमें शामिल है। लास्ट पे बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ वर्ड दैट डिनोट सम क्वालिटी, यानी कि इसमें कोई क्वालिटी होती है, स्टेट या कोई हालत होती है, कंडीशन होती है, और एक्टिविटी या कोई सरगर्मी होती है, यानी कि कैफियत होती है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट यानी कि इसमें मुजरद कहते हैं। इसमें मुजरद क्वालिटी कौन कौन सी हो सकती है? ईमानदारी है, बहादुरी है, मेहरबानी है, जुल्म है और दानिशमंदी। हालत गुर्बत है, खुशी है, गुलामी है, आज़ादी है, बीमारी की हो सकती है। एक्टिविटी कौन सी है जी? आमद है, रवानगी है, हंसी मजाक है, चोरी है या लड़ाई है। ओके, ये इसमें मुजरद, यानी कि इसमें मुजरद ऐसी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको छू नहीं सकते, जस्ट इनको हम महसूस कर सकते हैं, वो इसमें मुजरद है। इसमें नफरत हो गई, इसमें गुस्सा हो गया, बहुत सारी इसमें इंटेलिजेंस हो गया बेटा, बहुत सारी एग्जांपल है। ठीक है बेटा, ग्रामर की रूह से ना दो नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसकी एग्जांपल मैंने मेंशन की है काउंटेबल की, यानी कि बुक, यानी कि काउंटेबल वो जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। बुक है, पेन, सिटी, ट्री, एक्सेट्रा, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल कौन से हैं जी? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, दूध को नहीं कर सकते, पानी को नहीं कर सकते, चीनी को, चावलों को नहीं कर सकते, गंदम को, ये सी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, आज पांच हमने इसकी नाउन की डेफिनेशन देखी, नाउन की काइंड्स पांच वो डिस्कस की, और ग्रामर के लिहाज से हमने नाउन की दो टाइप्स देखी, कौन कौन सी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये आज का हमारा लेक्चर था बेटा, इसको आपने प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।